रामायण हिंदू धर्म की सबसे पवित्र कथा है, जिसे सुनने से ही आत्मा तृप्त हो जाती है, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण को मारकर अधर्म का विनाश किया था। आपने भी रामायण कई बार देखी होगी और सुनी होगी। शायद आपने इसे वहीं तक सुना होगा कि कैसे श्री राम ने रावण का विनाश किया था, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि कैसे श्री राम ने राम राज्य चलाया और कब अपने शरीर का त्याग किया। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इसी सवाल का जवाब। दरअसल माता सीता के भूमि देवी में विलीन हो जाने के बाद श्री राम अकेले पड़ गए थे, लेकिन उसके भी कई साल बाद तक उन्होंने राजपाट संभाला था। अब उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने बेटों तथा अपने भाइयों के बेटों को दे दी थी। तब एक दिन एक ऋषि श्री राम से मिलने आए। उन्होंने श्री राम से कहा कि वह सिर्फ उनसे एकांत में बात करेंगे। उस समय श्री राम के साथ लक्ष्मण भी मौजूद थे। श्री राम को एकांत में पाकर वो ऋषि अपने असली रूप में आ गए। वो यमराज थे और वह श्री राम को कहने लगे कि आपका समय धरती पर खत्म हो चुका है तथा महाविष्णु से मिल जाने का समय आ गया है। मैं आपको मृत्यु नहीं दे सकता, आपको अपना शरीर स्वयं ही त्यागना होगा। दूसरी तरफ महर्षि दुर्वासा भी यह जान चुके थे कि यमराज श्री राम के प्राण लेने आने वाले हैं। महर्षि दुर्वासा भी श्री राम के महल में पहुंचे और उनसे एकांत में मिलने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण जो कि दरवाजे पर खड़े थे उन्होंने उनको श्री राम से मिलने से रोका। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो तुम्हें मैं श्राप दे दूंगा। तब लक्ष्मण समझ गए कि उनका शरीर त्यागने का समय आ गया है। तब उन्होंने सरयू नदी में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। श्री राम भी जान चुके थे कि उनका भी शरीर त्यागने का समय आ चुका है, लेकिन हनुमान के रहते यह संभव नहीं था। तब श्री राम ने जमीन के एक दरार में अपनी एक अंगूठी फेंक दी। हनुमान यह अंगूठी ढूंढने के लिए छोटा रूप लेकर उस दरार में चले गए। हनुमान अंदर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि वह नागलोक में आ गए हैं। वहां उन्हें नागदेव वासुकी मिले जो कि नागलोक के राजा थे, और उन्होंने कहा कि वह उस पहाड़ पर अंगूठी ढूंढ सकते हैं जहां पर अंगूठियों का ढेर लगा हुआ है। हनुमान उस पहाड़ पर गए, वहां पर अनेक अंगूठियां थी, पूरा पहाड़ अंगूठियों का था। हनुमान जी ने एक अंगूठी उठाई और वह श्री राम की अंगूठी थी। हनुमान जी ने एक और अंगूठी उठाई, वह भी श्री राम की अंगूठी थी। तब नागदेव वासुकी ने कहा कि यह दुनिया समय चक्र में फंसी हुई है। हर समय चक्र को एक कल्प कहते हैं और हर कल्प में चार युग होते हैं। तब हनुमान समझ गए कि श्री राम का धरती से जाने का समय आ गया है। ऊपर श्री राम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। श्री राम सरयू नदी में गए और अपना शरीर त्याग दिया। इस तरह प्रभु श्री राम भी इस भौतिक दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सके। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और हाँ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और ट्विटर पर शेयर कर दें। हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद।